हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ इतना कम क्यों जा सकता है। बार बार जो कमेंट आ रहे हैं सर, आप बता रहे हैं कि बहुत ही कम जाने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अपने ही वीडियो, मेरा जो पिछला वीडियो है उसको देख लीजिए, उसके कमेंट सारे आप चेक कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इतने कम जो है सभी लोगों के नंबर आए, इतने कम नंबर आए, इसके क्या क्या कारण है ये भी हम देखेंगे दोस्तों। इसका जो मेन कारण है दोस्तों, कि अधिक से अधिक अटेम्प्ट करना, मेन जो कारण है दोस्तों, अधिक से अधिक अटेम्प्ट करना। क्योंकि अगर बच्चे यहाँ से पहले ही एग्जाम चल रहा है दो दो महीने से लगभग, तो देख रहे हैं कि 70 अटेम्प्ट करके आ रहा है, 80 अटेम्प्ट करके, तो हम भी करके आए, उनको 50 आ रहा था, 20 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिया, तो वहां से वो माइनस हो जा रहा है। या फिर उनको 40 आ रहा है, 20 30 एक्स्ट्रा कर दिया। तो जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, जो है स्टूडेंट्स के कमेंट के ऊपर मैं बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा दो वीडियो मैंने आपको बनाया कट ऑफ के बारे में और रेलवे ग्रुप डी के बारे में, उसके सारे कमेंट आप चेक करिए, भले ही वीडियो देखिए कि नहीं, पूरे कमेंट आप चेक करिए दोस्तों। देखो सीखो स्टडी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, पूरे कमेंट को आप चेक करेंगे दोस्तों, तो आपको एनालाइज हुआ कि जो जनरल का जो है कट ऑफ, वो आपका रॉ मार्क पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। एक और चीज़ मैं बता दूँ, पहले क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा मेरे बात को, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिए, बहुत सारे अभी मैं दिखाने वाला हूँ, जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। बात कर लें जो कट ऑफ जनरल की और ओबीसी की और एससी एसटी की, तो यहाँ पर दोस्तों जो है, मैं 40% बोला था ना, 40% कम से कम जो है 40 नंबर के करीब, तो दोस्तों जो है प्रतिशत अब आपका घट चुका है, यानी कि 40% तो पाना ही है, लेकिन जो है नंबर में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जनरल का 35 के करीब रॉ मार्क पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, नॉर्मलाइज मार्क्स पे नहीं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बढ़ने वाला है, जनरल जो है दोस्तों 35 जा सकता है। इसका टोटल कारण है अधिक से अधिक अटेम्प्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके माइनस में चले गए हैं अधिकतर जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने माइनस करा रखा है, ठीक है। ओबीसी का कितना जा सकता है दोस्तों, तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 30 के आसपास जा सकता है। एससी की बात करें दोस्तों, तो इसका फिजिकल के लिए कट ऑफ जो है दोस्तों 28 के आसपास जा सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी का भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, 26-27 के करीब। आप जानते हैं दोस्तों कि जो है 30% पाना अनिवार्य है और यहाँ पर 40% पाना अनिवार्य है, तो ये जो 30% या 40% जो आपको पाना अनिवार्य है दोस्तों, वो आपको पाना है 100 में 100 नंबर में। तो जब जो है इग्नोर हो जा रहे क्वेश्चन ही, उनको गलत दिख रहा है, क्वेश्चन ही गलत यहाँ पे बनाए गए हैं, या ऑप्शंस एक से ज़्यादा सही हैं, तो वहाँ पे जो है इन्होंने इग्नोर कर दिया क्वेश्चन को। तो आप क्वेश्चंस देखेंगे तो 92 किसी में, मतलब 92 क्वेश्चन पे बनेगा, तो 35 आप देख लीजिए, 35 जो है आपका आ रहा है, तो आप सेफ सेफ नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो है क्वालिफाई आप कर सकते हैं, ऐसे नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 30, 35, 30, 27, 26 या 28, 26 के करीब आप हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। इतने कम मार्क जाने का चांस जो है दोस्तों कम है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में होगा, जो आपका नंबर बढ़ जाएगा, मैं 30-35 भी ये नहीं कर रहा हूँ सिलेक्शन होने वाला है, मगर नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपके 15-50 तक चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे कर रहा है रॉ मार्क वाले, यानी कि 30-35 वाले यहाँ पे जो है निराश ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो है अधिकतर लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रखा है, अटेम्प्ट के कारण इनका जो है जो कट ऑफ जाने के बहुत ही कम चांसेस हैं। आप मेरे दोनों वीडियो को देख लीजिए, दोनों वीडियो के कमेंट को चेक कर लीजिए, भले या वीडियो पूरा मत देखिए, कमेंट को चेक कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। कम से कम 1000 बच्चों ने कमेंट किया है कि 25 है 20 है 25 है 20 है 30 है, बहुत जगह 35 40 39 35 से लेके 39 40 के करीब जो है ज़्यादा हैं स्टूडेंट। तो जिन भी लोगों का इसके आसपास है, तो मायूस मत होइए, नॉर्मलाइजेशन का वेट करिए और क्वेश्चंस अधिक से अधिक छाटिए कि कौन सा क्वेश्चन है, एकदम आप कंफर्म होके ही ऑब्जेक्शन करिएगा, लेकिन देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारे वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपके इस वीडियो के बारे में क्या सुझाव है, क्या सजेशन है, क्या आप सोचते हैं, आपने क्या किया था, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें। मिलते हैं इस वीडियो में, देखते रहिए देखो सीखो स्टडी, मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।